नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज सुबह 8:30 बजे महाराजा कॉलेज के सामने स्थित डॉक्टर वीएस वाजपेयी के निवास पर अचानक ही आग लग गई। लाखों का सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई। इसके अलावा धूमधाम से निकाली गई साईं बाबा की पालकी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर वीएस वाजपेयी और पुत्र सुवर्ण सागर वाजपेयी के निवास और क्लिनिक में लगी आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन पर शुक्रवार को ऑडिटोरियम में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। नाटक दोषी कौन के माध्यम से दर्शकों को गुदगुदाया। मोदी सरकार ने पूरे किए 3 साल। किसी ने सरकार के कामकाज को बताया बेहतर, तो किसी ने कहा ठीक नहीं रहा कार्यकाल। और धूमधाम से मनाया जा रहा है साईं मंदिर का 8वां वार्षिकोत्सव। शनिवार को निकाली गई साईं पालकी, रविवार को होगा भंडारा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। महाराजा कॉलेज के सामने स्थित डॉक्टर वीएस वाजपेयी के निवास पर अचानक ही सुबह 8:30 बजे आग की लपटें उठने लगीं। बेतहाशा धुआं निकलता देख लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को खबर किया, लेकिन फायर ब्रिगेड लगभग 1:45 घंटे की देरी से आई। डॉक्टर वीएस वाजपेयी के अनुसार जैसे ही वे पूजा करके ऊपरी मंजिल से नीचे आए, ऊपर आग की लपटें देखी और उसके बाद अपने जेट पंप से आग को बुझाने की कोशिश की। टैंकर से पानी डाला गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। फायर ब्रिगेड आई, उसने भी कोशिश की, टैंकर आए और उसके बाद होमगार्ड के जवान भी पहुंचे और आसपास के क्षेत्र से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। तब जाकर कहीं 11 बजे मशक्कत करके आग पर काबू पाया जा सका। गौरतलब है कि यहाँ डॉक्टर सुवर्ण सागर वाजपेयी अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। यहीं दवाओं का भंडार था और काफ़ी महंगी मशीनें भी ऊपर के पोर्शन में रखी हुई थी। ये सब जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जिला सुनानी महोदय ने उनके निर्देश पर टीम बना के उनको सूचना मिली कि ये डॉक्टर साहब की आग लग गई है। हम तत्काल अपने जवानों को लेकर यहाँ पर पहुँच के आग में काबू पाए और अभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई उनको और जवान लोग का सामान बाहर निकाल रहे हैं। ये करीब 9:30 बजे करीब सूचना मिल गई। हाँ, अंदर अभी टीम काम कर रही है, अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। शुक्रवार को शहर के ऑडिटोरियम में गांधी आश्रम में 1 महीने से चल रहे शिविर का समापन हो गया। यहाँ समापन में बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई, जिन्हें अभिभावकों ने खूब सराहा। दर्शकों ने हर दृश्य पर जहाँ उनको अच्छा लगा वहाँ पर ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस मौके पर गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद आर्य, दमयंती पाणी, तक्षशिला कॉलेज के डायरेक्टर राहुल त्रिपाठी, समाजसेवी कमल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उसके पश्चात बच्चों की प्रस्तुतियां हुई, जिनमें देशभक्ति गीत, जनगीतों की प्रस्तुति और पानी की समस्या को लेकर एक हास्य नाटक प्रस्तुत किया गया। बीच बीच में फिल्मी गानों पर बच्चों के डांस भी हुए। हमें बहुत अच्छा लगा और इधर पर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कराते हैं और बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। आज के कार्यक्रम में जगह बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से सबका डांस परफॉर्म हुआ और सब लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया सबको। और सबसे अच्छी खास बात इधर पे ये थी कि उन्होंने सबको परफॉर्म करवाया, उधर पे कोई भी सोलो डांस नहीं था, इसमें सब लोगों ने परफॉर्म किया। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, डांस, पेंटिंग और योगा, हर चीज़ सिखाई जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, सिखाते हैं, एक एक स्टेप सिखाते हैं वो, और बहुत अच्छा सिखाते हैं। बच्चों के साथ आए हुए अभिभावकों ने इन प्रस्तुतियों को खूब सराहा। साथ ही साथ गर्मियों में चलने वाले ग्रीष्मकालीन शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बच्चों में रचनात्मक गतिविधि पैदा करते हैं और इससे बच्चे की दिशा में परिवर्तन होता है।
कार्यक्रम तो हमें बहुत अच्छा लगा और देख के बहुत यानी वो हुआ कि अपने बच्चों को हर साल यहाँ पे भेजेंगे और हर माँ बाप से हर पेरेंट्स से यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। यहाँ से बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चों के लिए नॉलेज मिलता है, जनरल नॉलेज की चीज़ मिली। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है जो गांधी स्मारक के रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें बच्चों का मनोबल और शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति इन सभी का प्रभाव पड़ता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इतना अच्छा प्रोग्राम रखते हैं शुक्ला जी कि उसी टाइम बच्चों का टाइम मिलता है। बच्चों को साल भर तो ऐसा है पढ़ाई लगे रहते हैं बच्चे, लेकिन इतना अच्छा गर्मियों का टाइम रहता है कि जो है बच्चे लगे रहते उसमें और उसका निखार आता है। अच्छा ये तो अब शब्दों में कहना संभव नहीं है कि अच्छा क्या होता है। तो मन का आनंद होता है और बहुत आनंद महसूस किया। मुझे लगता है मैंने जितना किया उतने ही सभी बच्चों के माता पिता ने भी उसको आनंद लिया और इंजॉय किया है। आज ये कार्यक्रम हुआ है दिन से सुबह बच्चे फ्री रहते हैं उनको अपने प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिला है। नाच के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वो अन्य रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से गांधी आश्रम एकता और गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रतिभा से कार्यक्रम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 साल हो गए हैं। 3 साल पूरे होने पर हमने शहर के लोगों से प्रतिक्रिया जानी कि आखिरकार ये 3 साल आप किस तरीके से देखते हैं। विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी, किसी ने इन 3 सालों को बेहतर बताया तो किसी ने उसमें कमियां निकाल कर अपनी बात रखी। जी भाई साहब, आपका सब परिचय। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। और मोदी सरकार के 3 साल पूर्ण हो गए हैं, कितना अच्छा कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो कम है वो बिल्कुल नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है कि अपने नागरिकों के लिए, तो उनको भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नोटबंदी का कहीं हद तक असर दिखा है, लेकिन उसके बाद में जो बड़े आदमी हैं वो कभी लाइन में नहीं दिखे हैं और जितने बड़े आदमी उनके घर में कैश पहुंच गया है। जी भाई साहब, आपका सब परिचय और पद। मैं महेश कुमार साहू, नगर कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता, नौगांव। और मोदी सरकार के 3 साल पूर्ण हो गए हैं, कितना अच्छा कार्यकाल रहा, क्या कहेंगे? कार्यकाल के बारे में 3 साल हो जरूर गए हैं, लेकिन उनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं रही हैं इस दौरान। और जैसे कि उन्होंने नोटबंदी का किया, उन्होंने अपने हिसाब से देश हित का निर्णय सोच के लिए, लेकिन उसमें आम जनता पूरी तरह से परेशान रही। किसानों के मुद्दे पर भी अगर देखें तो वो पूरी तरह से फेल रहे। जितनी भी उन्होंने योजनाएँ चलाईं, किसान फसल बीमा योजना या और भी किसी प्रकार की जो योजना रही, तो उसका लाभ डायरेक्ट अगर देखें आप तो किसानों को नहीं मिल पाया है। सरकारी कर्मचारी हों या नेताओं हों, उन्हीं की जेबें भरी हैं इसमें। मोदी सरकार के 3 साल भारत के इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विगत 3 वर्षों में जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय को अपनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले धन को निकालने के लिए, गरीबों के लिए जनधन योजना चलाने के लिए,
महत्वपूर्ण कार्य किया है। बेशक निश्चित ही इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी ने जो अभी तक कार्य किए हैं वो बहुत ही अच्छे किए हैं, और मोदी जी का जो घोषणा पत्र था उसको आम लोगों ने ही देखकर और पढ़कर ही वोट दिए थे। उस घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है। निश्चित ही बहुत ही अच्छी कार्य हुई है। अभी भी कुछ कार्य बकाया है मोदी सरकार की, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, अपने पड़ोसियों से संबंध की बात हो। आज पूरे विश्व में मोदी मोदी का जो डंका बोल रहा है वो यही रीजन है कि मोदी की जो विदेश नीति है उसकी बड़ी सराहना हो रही है। आज 3 साल मोदी सरकार को हुए। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब बहुत सारी बातें थीं। उनका कहना था कि अगर हम स्पष्ट बहुमत में आएंगे तो बहुत सारे चेंज, बहुत सारे बदलाव समाज में ला देंगे, देश में एक क्रांति आ जाएगी। लेकिन हकीकत में जो उन्होंने वादे किए वो आज हमें पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, और साथ ही जो उन्होंने नोटबंदी की है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, देश को फ़ायदा हुआ है और आतंकवाद को नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है सेना के द्वारा, वो एक बहुत सराहनीय कदम रहा है जिससे देश का नाम पूरे विश्व में हुआ है। मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया इन 3 सालों में। जो कांग्रेस शासन पर 50 सालों में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 3 साल में करके दिखा दिया। 3 साल में इंडिया, जो पहले की इंडिया है आज की इंडिया में बहुत अंतर है। इस बात को अपने विदेश भी मानने लगा है, और मोदी जी ने जो विदेश यात्रा की उससे भारत को बहुत लाभ होने वाला है। कई ऐसे उनके प्रस्ताव हुए हैं और उनके समझौता हुए हैं जिससे आगे देश बहुत तरक्की करेगा। जी, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के विरुद्ध, और भी जो बंकर उनके ध्वस्त किए गए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी युवाओं के लिए भी काम हो, उनके लिए रोज़गार के लिए। अभी रोज़गार के अवसर कम मिल रहे हैं युवाओं को। देखिए, मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियाँ ये हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इस देश में जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए थे उनका उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मोदी जी, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का पुल हो या वैष्णो देवी कटरा का उद्घाटन। सीमा में रक्षा करते हुए जवानों की हत्याएं हो रही हैं, घुसपैठिए घर में घुसकर जवानों के सर काट रहे हैं, और चारों तरफ त्राही त्राही मची है। यही मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियाँ हैं। मोदी सरकार के 3 साल नो डाउट उपलब्धियों भरे हैं। जितनी आम पब्लिक ने उम्मीद करी थी उस उम्मीद से ज़्यादा कुछ मोदी जी काम करके दे रहे हैं। लेकिन हर आदमी के मन में एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। चुनाव के पहले तक जो मोदी जी कहते थे कांग्रेस शासन में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और 56 इंच का सीना, और अगर एक काटे, अगर वो एक पाकिस्तानी एक अपने सैनिक का सिर काट के लाते तो 10 का लेके आएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी हो रही है, और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज पूरा आम जनमानस और इवन विपक्षी दल तक ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 3 साल होने पर हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं जितना हमने आज़ादी के बाद गर्व महसूस हमारी समाज ने किया था। आज देश में इतने अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। गरीबों के लिए जनधन योजना खोल दी है, गरीबों के लिए अनेक योजनाएँ उन्होंने खोली हैं, अनेक बांध बना दिए हैं। हमारे एक मेडिकल वाले से चर्चा हुई थी तो उसने कहा था जो हमें कैंसर की दवाई 88,000 रुपये में एक इंजेक्शन मिलता है, वो 14,000 का मिलता है। कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दवाइयों में जो लगते थे 2.5-3 लाख रुपए के होते थे, वो 12-12, 15-15 हज़ार के। ऐसी अनेकों योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत को सौंपी है। साईं मंदिर का 8वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए शनिवार को एक पालकी यात्रा निकाली गई जो कि साईं मंदिर से होकर पूरे शहर का भ्रमण करती हुई वापस साईं मंदिर पहुंची। इसमें डीजे बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल रहे। 28 तारीख यानी रविवार को हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। बाबा की जो है 8वीं जयंती मनाई जा रही है। यहाँ बाबा मई 2009 में छतरपुर के साई भक्त बाबा को शिरडी से आना कवि से अनवरत यह 8वां वर्ष बाबा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी भक्तगण शहर के नगरवासी बाबा का ही वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज
साईं जी का जो बर्थ उत्सव मनाया गया, मैं सभी को शुभकामना देती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, साईं भक्त हैं, और साईं समिति के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाता है और हर्ष और उल्लास से जो आज शोभा यात्रा निकाली गई, मैं बधाई देती हूँ सबको। और मैंने साईं भक्तों से कहा है कि नगर पालिका और हम मिल के साईं मंदिर के लिए या साईं ट्रस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम लोग एक दिन बैठेंगे और प्लान बनाएंगे ताकि अगला दृश्य अगली वर्ष का बहुत अच्छा हो। ऐसे में साईं बाबा से निवेदन भी करती हूँ कि जो हमारे मन में भाव है वो सब हो। आज यहाँ बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया गया और ये लगातार 2 दिन चलता है और ये पिछले 8 सालों से इसी तरह से धूमधाम से चलता है। इतने विपरीत मौसम में भी आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का कोई भी उत्साह कम नहीं हुआ है और बहुत ही खुशी का उमंग का त्यौहार जैसा यहाँ पे लग रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय खुलने के बाद से अब तक निर्माण कार्य में कुछ खास प्रगति नहीं देखी जा रही है। 418 एकड़ भूमि का आवंटन जरूर हो गया है लेकिन अभी तक सीमांकन और चिन्हांकन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। यही वजह है कि बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अभी तक जब निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय को बनने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। वहीं रजिस्ट्रार का कहना है कि लगभग 114 करोड़ रुपए का GPR शासन को भेज दिया गया है लेकिन शासन की ओर से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली, ना ही बजट मिल रहा है। ये वजह है कि बजट के अभाव में विश्वविद्यालय की गतिविधियां कछुए की गति से रेंग रही हैं। देखो, विश्वविद्यालय को 418 एकड़ जमीन आवंटित हुई है और उसका सीमांकन कार्य आधे से ज़्यादा हो चुका है और चल भी रहा है और जिस क्षेत्र में सीमांकन होता जा रहा है वहाँ बाउंड्री लाइन खुदवा रहे हैं और एक प्रथम चरण के निर्माण कार्य PIO से हमको DPR मिल चुकी है। DPR हमने शासन को भेज दिया, उसमें 114 करोड़ 33 लाख का प्रस्ताव PIO ने दिया है, उसे शासन को हम भेज चुके हैं। अब शासन से जब स्वीकृति मिलेगी तब हम काम चालू कर पाएंगे। बमीठा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेड़री में पति पत्नी के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। उन लोगों ने पति पत्नी पर बकरियां चोरी करने का आरोप लगाया। घायल अवस्था में पति पत्नी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। परमलाल आदिवासी बबलू और दो अन्य ने मिलकर फल्लू आदिवासी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। उनका आरोप था कि इन दोनों ने मिलकर उन लोगों की बकरियाँ चुराई हैं। देखो परमलाल, रात को बोला हमारी बकरियाँ ले, बकरियाँ छोड़ ली तुमने, तो अब हमने बकरियाँ करियाँ से हमको क्या मतलब था? बकरियाँ से हमने खुद उनको बकरी दी थी, हम क्या उसकी बकरी लेंगे? तो उन कहने लगा भाई कह तो तुमने छोड़ी। उस सवेरे हमारे पिताजी आए घर में से खींच के उन्होंने नीचे डाल कर पाँच छः सबरे पूरे घर दे लठ हाथ मार के उसको बेहाली कर दी। उसमें से 5 लोग। सड़कों पर गड्ढे और नालियों के चैम्बर खुले होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। MLB स्कूल के सामने एक बड़ा गड्ढा जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और चार पहिया वाहन उसमें धंस जाते हैं, तो वहीं सड़कों पर किनारे और बीचों बीच गड्ढे होने से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। टेलीफोन की लाइन डलने की वजह से भी सड़कों के किनारे जो गड्ढे किए गए हैं उससे भी यातायात प्रभावित हो रहा है और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कल ही तो लगाए थे, आज बंद कर देंगे। 14 गड्ढों से वहाँ तक कांग्रेस कार्यालय के सामने तक चले गए। क्या हमने बहुत हैवी बड़े गड्ढे खोद दिए हैं जिससे क्या कोई संकेत भी नहीं है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए और इस लैंप जो भी चूज हो रही बहुत जल्दी कराना चाहिए क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है सबको। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर VS वाजपेयी और पुत्र सुवर्ण सागर वाजपेयी के निवास और क्लिनिक में लगी आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन पर शुक्रवार को ऑडिटोरियम में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। नाटक दोषी कौन के माध्यम से दर्शकों को गुदगुदाया। मोदी सरकार ने पूरे किए 3 साल।
किसी ने सरकार के कामकाज को बताया बेहतर तो किसी ने कहा ठीक नहीं रहा कार्यकाल। और धूमधाम से मनाया जा रहा है साईं मंदिर का 8वां वार्षिकोत्सव। शनिवार को निकाली गई साईं पालकी, रविवार को होगा भंडारा।